मसीह के नाम में जय मसीह। जय मसीह। आइए हम अभी प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं आज के सुबह, और हम आज मरकुस की किताब से 10 अध्याय से उसकी वचन को देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में 10 अध्याय का 47 से लेकर हम 50 तक देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने उठकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उसे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाड़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। आमीन। सो आज यहां से हम परमेश्वर के वचन में देखे, सो हमारे जीवन में, मैं यहां से आज बोलने का शीर्षक देना चाहता हूं, परमेश्वर को पुकारना। भाई बहन, आज इस वचन में हम जब देखते हैं तो ये में हमें देखते हैं कि यहाँ पर एक अंधा भिखारी, अंधा जिसका नाम बर्तिमाई है, जो बिल्कुल अंधा है, जो जानता भी नहीं, संसार को देखा भी नहीं, लेकिन उसने यहाँ पर यीशु को पुकारा है। एक दिन उस यीशु उस नगर में होकर जा रहे थे, तो उसको वहां पर क्या हुआ कि उसके मालूम पड़ गया कि कोई तो यहां से गुजर रहा है। उसने आवाज सुना, आवाज सुनने के बाद उसने पुकारने लगा, मतलब उसने कभी कहीं सुना होगा यीशु का नाम, तब ये सुनकर ही उसने यीशु को पुकारा, पुकार पुकार के कहने लगा, हे दाऊद की संतान। अरे जब उसने पुकारा तो वहां पर बहुत सारे लोग ने रुका, वो उसको क्यों पुकारता है बोलकर अपने ही लोग जो यीशु के पीछे पीछे चलने वाले लोगों ने उसको डांटा, लेकिन वो और जोर से चिल्लाकर कहने लगा और कहने लगा, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। तो बहुत ने उसके डांटा पर भी उसने पुकारा और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुनी। आमेन। सो भाई बहन, एक बड़ी गजब की बात यह है कि इसने अपने जिंदगी में खुदा को पुकारा, खुदा को, ईश्वर को पुकारा उसने। हम लोग बहुत दफा क्या होता है कि हम खुदा को पुकारने के छोड़कर हम दुनिया में हम लगे रहते हैं। जिस खुदा ने हमें जिंदगी दी है हम उसको पुकारना छोड़ देते हैं, लेकिन दुनिया की बात सुनना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारी जिंदगी जिस खुदा ने मकसद के लिए आपको और मुझे बनाया, हम खुदा को पुकारना है अपने जीवन में, जैसे भी हालत हो खुदा को पुकारना है। जब परमेश्वर कहता है यदि जब हम खुदा को पुकारेंगे वो हमारी आवाज को सुनेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता उसकी 91 का 16 आयत में, प्रभु का वचन में लिखा, जब वो मुझे पुकारे तो क्या लिखता है कि मैं उसकी सुनूंगा और प्रभु ने उसमें उत्तर दूंगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है। सो हमें आज इधर उधर के बातों को छोड़कर हमें खुदा को पुकारने की जरूरत है। यदि आज अपने घर को संवरना चाहता है, अपनी जिंदगी को संवरना चाहता है, तो आपको और मुझे खुदा को पुकारना है। खुदा को पुकारना हमने सीखना है, क्योंकि हर रोज हम प्रभु के भवन में आते हैं, लेकिन हम खुदा को पुकारना हमने नहीं जाना। हमने इधर उधर के बात सुनकर खुदा को पुकारना ही भूल गया, तो भाई बहन हमारे लिए हमारी प्रार्थना सुनाई नहीं देती है। सो इसके लिए भी दुनिया रोक रहे थे इस अंधे को भी, तू क्या पुकार रहा है, तेरा कौन है, कौन सुनने वाला है, तो बोल के इसको रोकने वाले थे, लेकिन उसने पुकारना नहीं छोड़ा। और जब खुदा को एक बार पुकारा, समस्या आया, समस्या खड़ा हो गया, ए बैठ बैठ बोलने लगे, लेकिन जब दूसरी बार पुकारा उसने, उसके लिए दरवाजा खुल गया, परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। कितने बार हम बोलते हैं, हम चर्च जाते हैं जी, हम तो विश्वासी हैं जी, है ना, हम बोलते हैं हम तो ईसाई बन गए जी, हम तो चर्च जाते हैं, संगति भी करते हैं, लेकिन हमने पुकारना खुदा को नहीं सीखा।
तो हमारा जीवन में कभी भी कामयाबी नहीं होता है। जब बीमार होता है तड़पता तड़पते हैं तो दो एक दो दिन आता है देखते हैं बस, उसके बाद फिर जैसा वो उसे चले जाता है। इसीलिए आज आपने आपको पूछो कि मैं क्या सचमुच में खुदा को पुकारता हूं या ऐसे ही मैं दिखावटी दुनिया के लोग जैसे बोलते हैं ऐसे चलता हूं। इस सोचे के चलिए खुदा पर। इसलिए मैं आज सब लोगों को बोलता हूं, जिस ये अन्य भिखारी ने अपने जिंदगी में सच्चे गढ़ को सच्चे खुदा को पुकारा, जिसलिए इसका परिवार इसका जिंदगी सवर गया। हम कैसे गुनाहों में थे लेकिन आज खुदा ने हमें बचाया। आज अपनी जिंदगी को अपने परिवार को संवारना चाहते हैं, अपने बच्चों को संवारना चाहते हैं, तो आज आप में आपने सच्चे खुदा को पुकारना सीखिए, तब वो सुनेगा आपको। क्योंकि हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जब खुदा को पुकारते समय समस्या आएगा। लोग तुम्हें ये बोलेंगे, लोग वो बोलेंगे, लोग ये करेंगे, ऐसे करेंगे लोग, लेकिन आप अपने सीधा मन कर सच्चा खुदा को पुकारना आपने नहीं छोड़ा तो आपका लिए दरवाजा खुलेगा। जैसा इस अंधे भिखारी के लिए, जब इसने लोगों ने बोला बैठ जा तेरा पत्थर खुदा बिजी है, खुदा भीड़ में है, सुनेंगे नहीं, पर भी उसने मेरा खुदा को अपने दिल जान से पुकारना शुरू किया, तो परमेश्वर ने उसकी पुकार को सुना। इसलिए आज आपको और मुझे सबसे खुदा को पुकारना सीखना है। इधर उधर के बात सुनने से भी पहले अपना परिवार संवारना चाहते हो, अपना जिंदगी संवारना चाहते हो, तो सच्चा खुदा को पुकारिए, तभी आपका जीवन संवरने वाला है। इधर का उधर का पड़ोस का बात सुनकर हमारा जिंदगी संवरने वाला नहीं है। तो मैं आज आपको ये बोल रहा हूं, सच्चा खुदा के पीछे चल रहे हो तो आपको खुदा को पुकारना सीखे। लिखा है भजन संहिता में, भजन संहिता उसकी 57 आयत का परमेश्वर के वचन में लिखा, उसकी 2 आयत में क्या लिखा, मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। हालेलुया, आपके लिए सब कुछ सिद्ध करने वाला वो परमेश्वर है। पड़ोसी नहीं है, आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके अच्छे वाला आपके नजदीक के वाला लोग नहीं है, आपका जिंदगी संवारना है, खुदा ने संवारना है। आपके परिवार को बनाना है, खुदा ने बनाना है, दूसरे बंदा कोई नहीं बनाएगा। आज तुम्हें कुछ भी कोई बोलेगा मीठा मीठा बात बोल के इधर उधर करेगा, लेकिन वो संभालने वाला नहीं है, तुम्हें कहां पर उसने ढकलने वाला है। इसलिए आज मैं बोलने चाह रहा हूं, जिंदगी में लाइफ को जिंदगी को संवारना है, सच्चे खुदा के पीछे ध्यान लगाओ, इधर उधर का बात मत सुनो, उसको सच्चे दिल से पुकारो, वो तुम्हारी आवाज को सुनने वाला नहीं बिगाड़ने वाला है। क्योंकि सब बहुत दुनिया में बिगाड़ने वाले लोग हैं, बनाने वाला कोई नहीं है। अपने लोग भी बिगाड़ता है, अपने बोलने वाले लोग भी बिगाड़ेंगे आपको, लेकिन आपने सच्चे खुदा को सुनना शुरू कर दिया, उसके पुकार सुनना शुरू दिया, सेवा करना शुरू कर दिया उसकी आवाज को सुनकर, तो आपका जीवन संवरेगा, संवर जाएगा। नहीं तो पछताओगे यीशु को पाकर, इधर हम पछताएंगे। इसलिए मैं आपको आज ये उत्साहित करना चाहता हूं कि सच्चे दिल से खुदा को पुकारना सीखिए, क्राई आउट टू गॉड, परमेश्वर को पुकारिए, अच्छे आवाज करके पुकारिए, वो खुदा यहाँ पर मौजूद होता है। खुदा हम कभी कभी हमारा ध्यान यहाँ होता है, बैठे हुए थे लेकिन ध्यान किधर किधर घूमता रहता है, हम पुकार नहीं पा रहे खुदा को, रुकावट हो रही है, इसलिए समस्या आ जाते हैं, समस्या आते फिर छोड़ देते हैं, फिर समस्या आती है छोड़ देते हैं, ऐसा हमारे जीवन में हो रहा है। सो अपने आप को आज अपने जानना है, यदि जिंदगी को अच्छी बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं तो परमेश्वर को पुकारना सीखिए, तो परमेश्वर हमारा जीवन को संभालेगा, आशीषमय करेगा और आगे लेके जाएगा। सो मेरे वचन के द्वारा मैं आज सब आप सबको सुबह के समय में आए और ये वचन के द्वारा मैं आशीषित करना चाहता हूँ, हम सबको आज खुदा को पुकारना सीखना है। जैसे भी हालत क्यों ना हो, जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, सुबह उठना है, हे खुदा आज का जिंदगी तूने दिया बोलकर अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुदा के दासों के लिए,
घर परिवारों के लिए, लोगों के लिए, अपने काम काज के लिए हर दिन खुदा से पुकारना सीखना है, तब हमारा जीवन परमेश्वर में अच्छा रीति से चल पाएगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। सो आए आगे के समय हम मिलकर